नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आप देख रहे हैं खास खबर। लॉकडाउन का नाम जहन में आते ही सभी तरफ सन्नाटा, सूनी सड़कें, बंद शटर, बंद ऑफिस की तस्वीरें सामने आती हैं। क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल फिर से हर किसी के जहन में उठने लगा है और इसके पीछे की वजह भी सामने आ रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों से पिछले दिनों कोरोना के केसों का अचानक से तेजी के साथ बढ़ना, जिसने सरकार के साथ ही आम जन को भी चिंता में डाल दिया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है और सरकार बराबर लोगों से सुरक्षा कदम उठाने की अपील भी कर रही है, ताकि लॉकडाउन जैसे कड़े कदमों से बचा जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। देश में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। 5 महीने बाद आए रिकॉर्ड तोड़ मामले। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा केस आए। एक बार फिर डराने लगा कोरोना। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू हो गई है। 5.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज देने के बाद भी कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। नतीजा ये है कि हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आने लगे हैं और एक बार फिर 5 महीने बाद देश में 53,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए केस दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 53,476 नए कोरोना केस आए, जबकि 251 लोगों की जान चली गई। हालांकि 26,490 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 23 अक्टूबर 2020 को 53,370 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। कुल मामले 1,17,87,534 है। कुल डिस्चार्ज केस 1,12,31,650। देश में कुल एक्टिव केस 3,95,152। देश में कुल मौतें 1,60,692। कुल टीकाकरण 5,31,45,709 डोज दी गई। एक समय ऐसा भी था जब देश में कोरोना के मामले घटने लगे थे। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या इस साल सबसे कम है। सबसे ज्यादा केस सितंबर 2021 में दर्ज किए जा रहे थे। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि देश के 10 जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। ये 10 जिले हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु, अर्बन नांदेड़, जलगांव और अकोला। महाराष्ट्र में 9 जिले हैं और एक कर्नाटक का जिला है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं 2 राज्य महाराष्ट्र और पंजाब में लगातार केस बढ़ रहे हैं। इन राज्यों के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बात दिल्ली की करें तो कोरोना दिल्ली में फिर से विकराल रूप धारण करता नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे संक्रमितों के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसे देखते हुए लोगों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। वहीं मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 31 मार्च से स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंका ने लोगों के मनों में डर पैदा कर दिया है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर से कंपनियों के मालिकों से लेकर मजदूर तक सभी डरे हुए हैं, क्योंकि कई महीने गांव में रहने के बाद एक बार फिर से उनकी आर्थिक स्थिति पटरी पर लौट रही थी। लेकिन मार्च में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने उनके सामने फिर चुनौती खड़ी कर दी है और वो दोबारा लॉकडाउन की मार नहीं झेलना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खास खबर में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।